Okay, very good morning. Good morning. So my name is CMA Mayur Agarwal. कुछ बच्चे जानते हैं कुछ नहीं जानते. I teach law. Okay, law is my expertise area. Almost 7 years and all stream of law जो भी आ सकता है CA, CS, CMA. I am teaching this. ठीक है. तो अभी सबसे पहले what about your inter law? Correct है. CMA inter law में क्या status है? CMA inter law में बेटा चार parts है. Part A, B, C, D. ये आपको थोड़ा idea भी रहेगा. पार्ट ए इज कमर्शियल लॉस. जो आपका अगर सी एम ए फाउंडेशन बेस है तो उसको फिर से थोड़ा रिपीट किया, थोड़ा सा एडवांस लेवल लेकर गए. ठीक है. पार्ट बी इज लेबर लॉस, पार्ट सी कंपनीज एक्ट एंड पार्ट डी इज एथिक्स, जिसमें एक चैप्टर है. करेक्ट है. तो ऐसा करके पूरे पोर्शन को डिफाइन किया. तो अगर मैं बोल रहा हूँ पार्ट ए कमर्शियल लॉस में 3 एक्ट ऑलरेडी फाउंडेशन में हो चुका है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल. इसमें ऐड होगा पार्टनरशिप और LLP. करेक्ट है बात. ये आपका पार्ट ए बन जाएगा. पार्ट बी जो है थोड़ा फैक्ट्रीज एक्ट, लेबर लॉज, मिनिमम वेजेस, ये थोड़ा सा लेबर लॉ बेस ज़्यादा डिटेलिंग है. एंड पार्ट सी में कंपनीज एक्ट है जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके. तो कंपनीज एक्ट को इंपॉर्टेंस फिर से दिया क्योंकि अल्टीमेटली आप एज अ कॉस्ट ऑडिटर अगर कोई कंपनी का ही कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे तो कंपनीज का पूरा फंक्शनिंग पता रहना चाहिए, कंपनीज का लीगल पार्ट पता रहना चाहिए. सी कॉस्ट ऑडिटर मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्टेड कंपनीज के लिए काम करता है जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में है, तो कंपनीज क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है. आर यू टू अंडरस्टैंड? तो कंपनीज एक्ट आज चालू हो जाएगा. ओके. तो मैं बेसिकली अगर बात कर रहा हूँ पहले ओवरव्यू कंपनीज एक्ट का क्या है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. ओके. ये पूरा कंपनीज एक्ट बेर एक्ट है. ओके. ये कंपनीज एक्ट में लगभग ये सेक्शंस है, इंडेक्स है ये सेक्शंस के, ऑलमोस्ट 470 सेक्शंस है. बट आपके पोर्शन में 470 सेक्शंस नहीं है, पहले 180 सेक्शंस में से इंपॉर्टेंट सेक्शंस लिया है इंस्टीट्यूट ने. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो आपको 180 सेक्शंस में से भी कुछ सेक्शंस नहीं है बट मेजरली 180 सेक्शंस में से कवर्ड है. ये आपका कोर्स हो गया कंपनीज एक्ट का. करेक्ट. सिमिलरली कंपनीज एक्ट के अंदर जो कॉमन जो रिलेटेड बातें हो रही है वो एक चैप्टर में बना दिया, तो 29 चैप्टर्स हैं देयर. ओके. ये लॉ में है, बेर एक्ट में है. ओके. तो ग्रुपिंग ऑफ सेक्शंस टुगेदर, लाइक स्पेशल कोर्ट के जितने भी चीज़ें रहेगी वो सारे सेक्शंस एक जगह पे है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? शेयर्स के ऊपर जो भी सेक्शंस है, देखो ऑडिटर्स के ऊपर सेक्शंस है वो सब एक जगह पर है. दिखाता हूँ मैं आपको. सी शेयर्स एंड डिबेंचर, तो उससे रिलेटेड जो भी सेक्शंस है कि भाई बायबैक ऑफ शेयर, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सब एक जगह आ गया, तो ऐसा एक चैप्टर बन गया. वैसे अगर मैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स एक चैप्टर बन जाता है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, तो ऐसे कितने चैप्टर्स है? 29 चैप्टर्स है और 7 स्केड्यूल्स है. स्केड्यूल मतलब फॉर्मेट विच इज अटैच टू एनी लॉ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, मेमोरेंडम का फॉर्मेट, तो ये सब एंड में स्केड्यूल्स में दिया जाता है. कोई लिस्ट देनी है. करेक्ट है कि भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या कवर्ड है, तो ये लिस्ट आती है तो उसको हम स्केड्यूल में बोल देते हैं. आर यू टू अंडरस्टैंड दिस? तो पूरा मिलाकर अगर मैं बात कर रहा हूँ, देर आर 470 सेक्शंस. करेक्ट है. देर आर 7 स्केड्यूल्स एंड 29 चैप्टर्स इन कंपनीज एक्ट. ये पूरा का पूरा एप्लीकेबल है क्या आपको? नहीं है, फिलहाल नहीं है. आर यू, क्योंकि बहुत सारे लॉस पढ़ने हैं ना आपको. ओके. सर लेबर लॉस ज़्यादा क्यों है? अरे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डील करोगे. आज आप कोई भी एंटिटी जो मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोसेसिंग में है, आज उनकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, राइट? तो आपको लेबर लॉस के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. ये एकदम बहुत सोच के उन्होंने पोर्शन डिफाइन किया है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले एक काम करो, लिखो आप पे, राइट डाउन हेडिंग. वहाँ लिखना है ओवरव्यू ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ओवरव्यू ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ओवरव्यू ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ओके, राइट डाउन सेक्शंस डैश 470 सेक्शंस. Sections, 470 sections, chapters, 29 chapters, 29 chapters,
Okay. And schedules kitna bada? Seven. Seven schedules are there. Seven schedule? Correct? Do you have all the sections? No, not at all. You have selected sections. Okay. So ye tum baat karenge. Similarly, agar main baat kar raha hu, Companies Act 2013 mein kiska contribution tha aur basically kab pass hua, kya background hai? Very simple. Sabse pehle Companies Act ki history dekhte hain. Companies Act ki history mein clear cut bula hai. Hame lagta hai ki Companies Act hum hi padh rahe hain. Not at all. Okay. Companies Act hum hi padh rahe hain, aisa nahi hai bada. Companies Act pehle bhi tha aur Companies Act samajhna ki bahut pehle se implement hote aa raha hai. Dekho, Companies Act 1866, 1882, 1932, 1946. अब जाकर आया 2013. तो आप सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ रहे, हमारे पूर्वज ने भी पढ़ा है. बस ठीक है, लिटरेसी रेट अलग अलग था. करेक्ट है, हमारे जितने एंसेस्टर है ठीक है उनका. देखो, इंडिया में कंपनीज ही बहुत कम थी ना. अब मुझे बताओ कौन सी कंपनी 150 साल से या 100 साल से है. यू नो, लाइक टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, ये कुछ गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्ट है जो है. इसके अलावा इंडिया में वॉज एग्रीकल्चर फोकस, इज इट राइट? एग्रेरियन कंट्री बोलते हम, अरे हाँ कि नहीं? तो अभी जाकर इंडिपेंडेंस के बाद, फिर आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन के बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे फोकस किया गया और अभी और फोकस कर रहे हम. ठीक है, दिस गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर, आई सेड करेक्ट है, कि मेक इन इंडिया विजन. इंडिया में आओ, इंडिया में आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, लेबर मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके कहाँ भी बेचो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझो मेरी बात. तो मेक इन इंडिया विजन, तो आज जाकर हम मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रहे हैं और इसलिए आप लोग का इंपॉर्टेंस बढ़ गया. दैट इज वेरी क्लियर. ओके, तो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि एक तरीके से कंपनीज एक्ट पहले से ही है. बेस्ट एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, अरे वो भी तो कंपनी था ना. करेक्ट है, तो कंपनीज एक्ट बैकग्राउंड है. बट 2013 जो एक्ट था उसका क्या था? सबसे पहले 1956 का बैकग्राउंड बताऊंगा. 1956 जब लॉ पास करना था तो इट वाज अ कमिटी फॉर्म बाय, ठीक है, गवर्नमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होमी भाभा. ये नाम सुना है आपने? करेक्ट है. और होमी भाभा के साथ 12 मेंबर्स की कमिटी बनाई गई. करेक्ट है, और जिनको बोला गया कि तुम हमें कुछ सजेशन दो कंपनी लॉ कैसे बनना चाहिए. पार्लियामेंट ने इनको बोला कि हमें सजेशन दो और रिकमेंडेशन दो. इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 1952 में कि देखो कंपनीज एक्ट ऐसा होना चाहिए. 1956, समझे मेरी बात? 600 प्लस सेक्शन, 670 सेक्शंस के ऊपर थे पहले, समझो. फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट 1956 बना 658 सेक्शंस एंड 14 स्केड्यूल्स के साथ, समझे मेरी बात. फिर समय के साथ 1956 के बाद डायरेक्टली 2013 कंपनीज एक्ट 2013. कितने साल हो गए सोचो, इतने टाइम लगे हमें. अरे लॉ बदलना चाहिए ना समय के साथ. 1956 के बाद हमारे इंडस्ट्रीज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था. 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राइट? करेक्ट है. बट फिर भी 1991 के बाद हमने लॉ बदला नहीं. 1991 गया, 2000 सीरीज चालू हो गया, 2010 खत्म हो गया, अब जाके 2013 में नया कंपनीज एक्ट आया. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? करेक्ट है. तो मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि 1956 के बाद डायरेक्टली 2013, पहले का देखो कितना गैप था. 1866, 1882, 15-20 साल. वापस से 1913, वही 20-25 साल. फिर वापस 30 साल 1942, फिर वापस 10 साल 1956. उसके बाद 50-60 साल के बाद हमने क्या किया? कंपनीज एक्ट को बदला. मेरी बात समझना. तो कंपनीज एक्ट बदलने में डॉक्टर जे ईरानी का हाथ था बेटा. इनको बुलाया गया. ये कौन है सर? इनका नाम तो नहीं सुना है. टाटा ग्रुप के पिलर है, टाटा ग्रुप के बहुत बड़े पिलर है, जिसकी जिंदगी टाटा ग्रुप में चली गई है, टाटा इंडस्ट्रीज में चली गई है. तो बोले सर इनका नाम तो कभी सुना नहीं, आप इतने हिसाब से बोल रहे हो. अरे यार, अगर इंडियन क्रिकेट टीम जीतती है तो कैप्टन का नाम बनता है और एक आधा जिसने सिक्स मारा रहेगा या रन्स बनाए रहेगा उनका नाम बनता है. पूरी टीम की वाहवाह होती है क्या बेटा? नहीं. तो अभी हम जैसे टाटा ग्रुप बोलते हैं, रतन टाटा को ही हम क्लिक करेंगे ना. अरे बट टाटा ग्रुप अकेला रतन टाटा जी नहीं चलाते हैं, इनके बहुत बड़े टाइकून्स बैठे हैं जो अच्छे खासे नॉलेजेबल लोग हैं. ये लोग हैं, तो इनको बुलाया गया गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट ने बोला तुम आओ.
तुमने टाटा ग्रुप का पूरा बैकग्राउंड देखा है, ओल्ड कंपनी एक्ट भी देखा है, नया सिनेरियो भी देख रहे हैं। तुम आओ, तुम्हारे साथ कमिटी बनाएंगे, और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जे जे ईरानी दे फॉर्म्ड अ कमिटी इन 2004। अब 2004 जो है इन्होंने कंपनीज बिल लोकसभा में पास किया बेटा 18 दिसंबर 2012, दिख रहा है आपको? फिर लोकसभा के बाद राज्यसभा, अभी तो बहुत आपको लॉ समझता है ना, वैसे सिटीजन अमेंडमेंट बिल एंड एक्ट आप देख रहे हो, लोकसभा राज्यसभा, करेक्ट है, ये सब सुन रहे हो आप, ओके। तो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास हुआ 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव द कंसेंट एसेंट साइन किया, दैट वॉज प्रणब मुखर्जी, ओके। एंड देन कंपनीज एक्ट पैदा हुआ 30 अगस्त 2013। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? करेक्ट है। तो मुझे बताओ, कंपनीज एक्ट 1956 से पहले कंपनीज एक्ट था क्या बेटा? यस था, 100% था। ये देखो 1866 1882 1913 1942 1956, करेक्ट है। बट 1956 के बाद डायरेक्टली कौन सा एक्ट आया? 2013 के लिए चेयरमैनशिप किसकी थी? डॉक्टर जे जे ईरानी, इज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, आप गूगल करोगे पता चलेगा, करेक्ट है। सर ये कमिटी कब फॉर्म हुई? 2004। सर पार्लियामेंट में लोकसभा में कब पास हुआ? 2012। मतलब सोचो 2004 से लेकर 2012, 6 और 7, 8 साल लग गए डिस्कस करते करते, 8 साल लगे बेटा। चलो ड्राफ्ट करने को 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 6 साल तो डिस्कशन में, ये तो पॉलिटिक्स है अपनी, करेक्ट है, जितना टाइम लगा दिया। 2012 के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ 2013, और देन 29 अगस्त 2013 ऑप्टेन द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, एंड देन इट वॉज पास्ड एंड इफेक्टिव फ्रॉम 30th ऑगस्ट। बट आपको हाइट बताऊं, यहाँ की हाइट बताऊं, 30th ऑगस्ट को जब आया ना, तो 30th ऑगस्ट को पूरा एक्ट नहीं आया। सपोज ये, अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ये कंपनीज एक्ट पुराना, कंपनीज एक्ट नया, नया का अगर एक ही सेक्शन आ रहा है तो पुराना भी साथ में अप्लाई करो, फिर नए के 15 सेक्शन है तो पुराने बाकी से अप्लाई करो, मतलब ये समझो 2 बुक रखी है, ठीक है। अगर हमने नया बना लिया है तो पुराने वाले पन्ने भी जुड़े, मतलब ये इंस्टॉलमेंट में आया। कंपनीज एक्ट किसमें है बेटा? थोड़े सेक्शन नए बाकी पुराने, थोड़े सेक्शन नए बाकी पुराने, थोड़े सेक्शन नए बाकी पुराने, फिर एक समय आया कि जहां पर कंपनीज एक्ट बन गया, अब इसको पुराने को निकाल दिए, समझे? तो आया भी तो पुरानी आया, और उसमें हाइट बताता हूं, 30th अगस्त 2013 को सेक्शन 1 आया, बोले बाकी सेक्शन फॉलो कंपनीज एक्ट 1956। सो सेक्शन 1 क्या होता है? ओनली टाइटल, करेक्ट है। हर एक्ट का सेक्शन 1 टाइटल होता है कि नाम क्या है, एक्ट का लॉ का नाम क्या है, करेक्ट है। किस किस को एप्लीकेबल है, करेक्ट है, मतलब कौन से कंपनीज किसको फॉलो करना है, एक्सटेंट क्या है, होल ऑफ इंडिया, आजकल लफड़ा तो मिट गया ना, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो तो मैटर ही अभी खत्म ही हो गया, करेक्ट है, होल ऑफ इंडिया, और कब से एप्लीकेबल है, सिर्फ सेक्शन 1, सिर्फ सेक्शन 1 नामकरण, कि भाई कंपनीज एक्ट ये नाम है, ये पूरे इंडिया को लागू होता है, ये कंपनीज को लागू होता है, और बेसिकली ये यहां से कमेंस होता है। तो इन शॉर्ट जब 2013 एक्ट आया, 1956 भी चल रहा था, मतलब मैं जब एज ए प्रैक्टिस में था तो मैं दोनों बैराक लेके बैठता था, पहले नया एक्ट पढ़ता था, ठीक है, इसने ऑडिटर के ऊपर नहीं बुलाया तो पुराने एक्ट में ऑडिटर में क्या बुलाया देखता था। तो हम जब क्लाइंट कंसल्ट करते थे, जब ये आया था तो हम दोनों एक्ट लेके बैठते थे, पहले नए वाले को पढ़ते थे कि ये नया वाला है, इसमें कोई सेक्शन नहीं है, तो पुराने वाले खुलकर सेक्शन चेक करो कि पुराना लॉ क्या बोल रहा है, और दोनों एक्ट्स मिलकर क्लाइंट्स को कंप्लाई करने थे। हमसे क्लाइंट से एक एक्ट कंप्लाई नहीं होता है, क्लाइंट से एक लॉ कंप्लाई नहीं होता है, तो हमारे लोग की इंपॉर्टेंस बढ़ी था। आर एबल टू अंडरस्टैंड? क्योंकि दो लोग लॉ कंप्लाई कर रहे हैं, पुराना भी आता है नया भी आता है, तो हमें पता है कि ओवरव्यू क्या रह सकता है। क्लियर हुआ बात? ओके, तो एक काम करो, सबसे पहले आपने ओवरव्यू लिखा, ये लिखो हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट।
हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट, लिखो है लिखा हिस्ट्री पक्का बैकग्राउंड पुराने कंपनी से आएगा, इसमें बहुत सारे और ऐड होंगे मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी डिफाइंड है, ये सब जो भी है ये आएगा एक लिस्ट की जगह पर, डन है। उसके बाद में आपने ये वाला जो है ना कि भाई ये कंपनी से का कैसे कैसे क्या सिनेरियो था, सबसे पहले रीड करो, पहले दो मिनट रीड करो। 4 अगस्त 2004 रिव्यू एंड रीड्राफ्ट टेकन बाय MCA मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्रीज होती है गवर्नमेंट, कैबिनेट्स, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, समझे मेरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक और यू नो होम अफेयर्स, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्रीज ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राम, और हर एक जो उनके मेन मेन मिनिस्टर्स हैं उनको इंचार्ज किया जाता है। यू आर हेड फॉर दिस मिनिस्ट्री, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अमित शाह इज हेड फॉर होम अफेयर्स, करेक्ट है, करेक्ट। वैसे फॉरेन अफेयर्स का कोई है, फाइनेंस के लिए सीतारमन जी है, आप देख रहे हो या? तो MCAs मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनीज, LLPs, करेक्ट है, ये सब के एक अलग मिनिस्ट्री है, करेक्ट है, जो बिजनेस साइड को देखता है। तो मिनिस्ट्री को लगा कि हमें रिव्यू और रीड्राफ्टिंग करना चाहिए, पुराने कंपनीज एक्ट को रिव्यू और रीड्राफ्ट, रिव्यू पहले भाई रिवाइवल और उसको रीड्राफ्ट नया बनाना चाहिए। उन्होंने फिर क्या किया, इमीजिएटली अगस्त होते ही दिसंबर में उन्होंने कमिटी फॉर्म की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जय जयराम। ऑब्वियसली उन्होंने एक्ट बना लिया, बिल बना लिया, जब तक कोई भी लॉ पास नहीं होता है तब तक हम उसको क्या बोलते हैं, बिल, यू नो इट वेरी वेल। जब कोई भी लॉ पास हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट, करेक्ट है। इसलिए हम लोकपाल बिल लड़ रहे थे, बराबर है, वो बिल ही है, समझो। अभी तो एक्ट हुआ है क्या, अरविंद केजरीवाल जी या बड़े बड़े लोग जो आए थे वो अब अलग ही लेवल पे, लोकपाल बिल पे तो बात ही नहीं कर रहे कोई, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जो हिसाब से मोर्चे चल रहे थे, जाने दो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब सिमिलरली 18 दिसंबर 2012 कंपनीज बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा। ओके सर, लोकसभा थोड़ा सा आपको आइडिया है, स्कूल डे सिविक्स, लोकसभा पार्लियामेंट की दो सभा होती है, ओके, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में 545 मेंबर्स, राज्यसभा में लगभग 250 मेंबर्स के आसपास है, जिसमें से 545 में से 543 हम लोग सिलेक्ट करते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया वोटिंग करते हैं, ओके, और बाकी जो दो लोग हैं वो प्रेसिडेंट का राइट है कि भाई मेरे हिसाब से ये दो सीट रिजर्व है, मैं इसको यहाँ पे लोकसभा में बुलाऊंगा, और प्रेसिडेंट जिसको बोलेगा वो, कल प्रेसिडेंट ने मुझे कॉल किया तो मैं भी जा सकता हूँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और राज्यसभा, राज्य, स्टेट, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ऊपर जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेटिव ऊपर जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन लेके, प्रॉब्लम्स लेकर, दैट इज राज्यसभा। राज्यसभा में 250 लोग हैं जिसमें से लगभग 233 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लोग हैं, और बाकी 12 जो है वो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से सिलेक्ट करेगा, अंदाजा समझ गए? अब पहला कोई भी वोटिंग होगा, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, जब दोनों सभा जब वोट करके फेवर में है उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा, उसके बाद ही वो बिल बन जाएगा बेटा एक्ट। क्या बनेगा बेटा? एक्ट बनेगा, समझो मेरी बात, ओके। तो अब वोटिंग चलती है, इससे 545 में से आपको 50% अगर प्लस वोट चाहिए तो लगभग 275 वोट्स प्लस चाहिए,
लगभग 270 to 75-40, समझे मेरी बात? तो 275 प्लस लोगों ने फेवर में तो बोलना चाहिए कि आठ डन है, हम इसके फेवर में है, ये लॉ के फेवर में है, आर एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, एंड सिमिलरली ये 250 में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 125 प्लस लोगों ने फेवर में वोट करना चाहिए, तब जाकर कोई भी क्या होगा, बिल बन जाएगा, एक्ट बनेगा, समझो मेरी बात? तो यहाँ पर देखो लोकसभा में ये पास हुआ 18 दिसंबर 2012, और फिर राज्यसभा में पास हुआ 8 अगस्त 2013। लिखो ये पूरा पीपीटी। I'll open this. देखो background of Companies Act 2013. Background of Companies Act 2013. Background of Companies Act 2013. ये लिखना as it is. सिर्फ अंकल जी का फोटो नहीं बनाना है, बाकी सब बना लेना। अपना भी ऐसा फोटो लगना चाहिए कहीं तो, है ना? डन है, लिख रहे हैं। ठीक है,
अब थोड़ा सा बेसिक्स पे जा रहा हूँ मैं, जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको आएगा। देखो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई कोई भी एक एंटिटी जाने से पहले वो क्या टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, कि भाई वो ट्रस्ट है, भाई सोसाइटी है, कंपनी है, पार्टनरशिप है। अब जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो पहले मैं पूछता हूँ व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू आर रनिंग, वो बोलेगा सर मेरा एक LLP है, या वो बोलेगा सर मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है, या मेरा एक कंपनी है। तो अकॉर्डिंगली मेरे सोचने का एंगल चेंज हो जाता है, करेक्ट है। तो अभी जैसे आपके पूरे CMA इंटर में देयर आर 4 पार्ट्स, आई सेड पार्ट इज कमर्शियल लॉ, करेक्ट है, पार्ट इज व्हाट कमर्शियल्स, करेक्ट है, पार्ट बी इज लेबर लॉस, पार्ट सी इज कंपनीज एक्ट, एंड पार्ट डी इज एथिक्स। ये 100 मार्क का सब्जेक्ट बन गया बेटा। एंड अगर आप देखते हो मॉड्यूल 1 के अंदर, ग्रुप 1 के अंदर अगर आप हो तो 3 प्रैक्टिकल एक थ्योरी है, ओके, एंड एज अ ह्यूमन टेंडेंसी थ्योरी इज टेकन फॉर ग्रांटेड, बट बिलीव मी दैट विल ट्रबल यू अलॉट, ओके, मतलब आपने उसको सीरियसली करना है, ये क्लियर बात है। मतलब प्रैक्टिकल्स को कैसा होता, हम थोड़ा कॉस्टिंग है, टैक्सेशंस है, ये सब्जेक्ट्स को हम थोड़ा सा क्या कर लेते बेटा, ध्यान से ये कर लेते, मैनेज कर लेते, बट थियोरी को हम बोलते कि इट विल बी डन, इट विल बी हो जाएगा। बट एक समझना मेरी बात, सपोज मैं आपको बोलता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ध्यान देना, किसी को भी बिजनेस करना है, बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस, मेकिंग वन प्रोडक्ट, सेलिंग इट, बाइंग एंड ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, करेक्ट है। तो ये बिजनेस होता है, एंड देयर द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस, ऑफ एवरी बिजनेस इज मेजरली प्रॉफिट मेकिंग, कि भाई 10 की चीज 12 में बिके, 2 रुपए मुनाफा हो, ये 2 रुपए के लिए हम बैठे हैं, आर यू, नथिंग इज डन फॉर चैरिटी, करेक्ट है। तो आपने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन सुने, सपोज मैं बताऊँ ट्रस्ट, दूसरा सुना होगा आपने सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म LLP, उसके बाद सोसाइटी, ओके, उसके बाद में HUF, कंपनी, क्लब। मुझे बताओ, लाइन से बताओ, ट्रस्ट इज फॉर बिजनेस और नॉट फॉर बिजनेस, ट्रस्ट भरोसा, व्हाट इज अ ट्रस्ट, नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, तो नॉट फॉर बिजनेस, राइट, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म LLP इज नया चीज आपके लिए, इसके ऊपर भी एक्ट है आपका, डोंट वरी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इसका फुल फॉर्म है, डोंट वरी, इसके ऊपर पूरा पढ़ेंगे, ये भी बिजनेस के लिए होता है बेटा। सेम वे सोसाइटी, नॉट बिजनेस, देन HUF बिजनेस, कंपनी बिजनेस, क्लब नॉट बिजनेस, फ्रेंकली स्पीकिंग, मेजरली। सर इसका मतलब क्या, जो नॉन बिजनेस वाले लोग हैं, कौन से नॉन बिजनेस वाले लोग हो गए, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड क्लब, ये मेजरली अपने लिए नॉन बिजनेस वाले लोग हो गए, और बिजनेस वाले लोग हो गए सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी एंड HUF। तो वहां से उनका डिफ्रेंसिएशन क्रिएट हो गया, बराबर है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, और एक चीज समझना, कि ये जो नॉन बिजनेस वाले लोग हैं, डू दे मेक प्रॉफिट, यस, अरे आटे में नमक के बराबर, समझे मतलब क्या है, मेजर उनका सोसाइटी चैरिटेबल पर्पस हो सकता है, बट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना सकता है। सर कैसे, अगर कल ट्रस्ट को 15 लाख का डोनेशन आया या 1 करोड़ का डोनेशन आया, उनको पता नहीं महीना भर कैसे खर्चा करना है, तो महीना भर FD में रख दिया, FD में रखा तो उनको क्या मिला, इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट मेकिंग तो आएगा ना। बट सर डू दे डोंट डू चैरिटी, दे डू चैरिटी, बट आटे में नमक के बराबर, मेन एक्टिविटी प्रॉफिट मेकिंग है, थोड़ा बहुत चैरिटी चलेगा, इनका मेन एक्टिविटी चैरिटी है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मेकिंग चलेगा। तो आप मेजरली क्या कर रहे हो, ये मैटर करता ना, करेक्ट, आप मेजरली प्रॉफिट मेकिंग करके, देखो मैं हूँ, आई एम अ पार्टनर इन वन ऑफ द फर्म, हमारी फर्म डोनेशन देती है, हमारी फर्म चैरिटी करती है, हम साल में कम से कम इतनी अमाउंट डोनेट करते हैं, इट डज, बट हमारा मेजर एलिमेंट क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, करेक्ट है। तो सेम वे समझना, अब ये सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी, HUF, ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट इज चैरिटेबल पर्पस, लोग डोनेशन देंगे, मित्र मंडल्स, मंदिर, करेक्ट है, अलग अलग जगह पे NGOs, करेक्ट है, लोग डोनेशन देंगे, वो पैसा हम यूज करेंगे, करेक्ट है, फॉर पर्पस, कि सब इसका पैसा है 1 करोड़ रुपए, इसको लगता है कि समाज में गरीबों को पढ़ाना चाहिए, इसने मुझे पैसा दे दिया, बोले सर मेरे पास टाइम नहीं है, आप 1 करोड़ लो और समाज में गरीबों को पढ़ाओ,
आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो यहां पर ये चैरिटेबल पर्पस कर रही है सोसाइटी में, फॉर द मेंबर्स, ऑफ द मेंबर्स, बाय द मेंबर्स. मेंबर के लिए, मेंबर से, और मेंबर ने ही चलाया है. सब मतलब क्या? कॉमन फैसिलिटीज हमें चाहिए. आई सेड लाइक अगर मैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूं तो मेरे को क्लीनलीनेस चाहिए, मेरे को कॉमन स्ट्रीट लाइट चाहिए, करेक्ट है. तो मेरे को एक सिक्योरिटी कंसर्न है, तो मैं अलग अलग मेरे घर के बाहर वॉचमैन नहीं अपॉइंट करूंगा. वाटर पाइपलाइन मेरे लिए प्राइवेट नहीं खींचूंगा, समझे मेरी बात. क्लीनलीनेस के लिए मेरे एक स्पेशल मेड अपॉइंट किए कि गार्बेज लेकर जाएंगे. इससे अच्छा सारे मेंबर्स साथ में आते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, सब लोग उसमें पैसा देंगे और सबको फैसिलिटी मिलेगी, क्लीनलीनेस, सिक्योरिटी गार्ड, वाटर सप्लाई, कॉमन स्ट्रीट लाइट. तो फॉर द मेंबर, मेंबर ने ही बनाया, मेंबर के लिए ही बनाया और मेंबर ने ही मैनेज किया. तो इसमें आउटसाइडर को कोई बेनिफिट नहीं है. ये क्या हो जाएगा बेटा? सोसाइटी. क्या हो जाएगा? सोसाइटी. तो यहां पे समझना कि हम जो बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये देखो, बिजनेस इज डन इन टू फॉर्म्स, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म एंड कॉर्पोरेट फॉर्म, करेक्ट है. नॉन कॉर्पोरेट में तीन चीज आती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF एंड पार्टनरशिप, करेक्ट है. एंड कॉर्पोरेट में दो चीज आती है, LLP एंड कंपनी. आप बोलेंगे सर फिर कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट में फर्क क्या? अब ये पूछोगे, ये बेसिक बात है. एक काम करो, पहले लिखो ये, बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करो. बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करना है, बिजनेस करना है तो देखो किसकी भी दिमाग में है कि आज मुझे केक शॉप डालना है, पहले सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सी एंटिटी खोलनी है. आप बोल रहे हैं मुझे एक रेस्टोरेंट डालना है, पहले भाई एंटिटी कौन सी खोलनी है, समझे मेरी बात. आपको क्लासेस स्टार्ट करना है, पहले एंटिटी कौन सी खोलनी है, करेक्ट है. आपको पहला ये पांच में से एक ही एंटिटी ओपन करनी पड़ेगी तो ही बिजनेस स्टार्ट होगा. लिखा सिंपल. तो मुझे बताओ किसी को भी बिजनेस करना है इंडिया में तो ये पांच में से एक टाइप तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. समझ में आया मेरी बात? बट आपका ज्यादातर पाला किससे पड़ेगा? कंपनी, LLP, ज्यादातर मेरा जितना एक्सपीरियंस है, करेक्ट. आप लोगों का ज्यादा रिलेशंस किससे पड़ेगा? कंपनी, LLP, एक हद तक पार्टनरशिप भी. इसलिए ये तीनों एक्ट्स आपके इसके अंदर डाले, LLP एक्ट 2001, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013. ये तीनों एक्ट आपको जानना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग लेवल चलता है कंपनी LLP में और थोड़ा बहुत एक हद तक चलता है पार्टनरशिप फॉर्म में. किसमें चलता है बेटा? पार्टनरशिप फॉर्म में. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह भी करते हैं बट इतना नहीं करते जितना ये लोग करते हैं, करेक्ट है. इसीलिए आपके पूरे करिकुलम में अगर आप देखते हो LLP एक्ट 2008 पढ़ोगे आप, अब LLP एक नई चीज़ है आपके लिए, टोटली नया चीज़ है, करेक्ट है. कंपनी सुना है, हाँ, तो कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये बात समझ में आया? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट? फर्क क्या है? गेस करोगे व्हाट इज द डिफरेंस? सो कॉर्पोरेट एंटिटी है ये और ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है. इंस्पायर इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी बट मेरा एक फॉर्म है जिसका मैं प्रैक्टिस करता हूँ, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है. सो फर्क क्या पड़ता है? सभी तो बिजनेस ही कर रहे हैं, हाँ, ट्राई करो. ट्राई तो करो, हाँ. ओके,
कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट में फर्क है, सेपरेट लीगल एंटिटी। रिलायंस इंडस्ट्री एक अलग एंटिटी, आप मुकेश अंबानी से लिंक करते होंगे, बट रिलायंस पे केस हो रहा है मतलब मुकेश पे नहीं हो रहा है, मुकेश पे केस हो रहा है तो रिलायंस पे नहीं हो रहा है। बट अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, मेरा फर्म है, ठीक है, चाचू ची चॉकलेट्स एग्जाम्पल, ये फॉर्म है मेरा, अब चाचू ची चॉकलेट्स के ऊपर केस हो रहा है मतलब मेरे पे केस हो रहा है, और मेरे पे केस हो रहा है मतलब फॉर्म पे हो रहा है। तो सोल प्रोप्राइटर में प्रोप्राइटर एंड बिजनेस आर वन एंड द सेम, बट कंपनी में कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। पहला सेपरेट लीगल एंटिटी का फर्क पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, हाँ देखो जो थर्ड पॉइंट दिख रहा है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी डज इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, मेंबर और वो फर्म एक ही है। बट यहां पे देखो थर्ड पॉइंट, कॉर्पोरेट एंटिटी आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स, कंपनी अलग ओनर्स अलग, ओनर्स अलग कंपनी अलग। और यहां पर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में होगा क्या बेटा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फर्म में लोन ले लिया और लोन लिया, घर बेच के भी पैसा देना पड़ेगा। बट रिलायंस इंडस्ट्री ने लोन लिया, शेयर होल्डर से पैसे नहीं मांग सकते, लिमिटेड लाइबिलिटी, माई लाइबिलिटी एज अ ओनर। कल उठ के मैंने रिलायंस के शेयर लिए, अब रिलायंस के शेयर लिए, मैंने 10,000 के शेयर ले लिए, अब रिलायंस ने हजारों करोड़ का लोन ले लिया, अब वो रीपे नहीं कर पा रहे, तो सब बैंक मेरे घर आके बैठ गए। मैं बोलूंगा भाई सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, मेरे पास आने का नहीं, कंपनी अलग मैं अलग, समझे मेरी बात को। तो यहां पर मेरी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड। बट पार्टनरशिप फर्म ने हजारों करोड़ का लोन ले लिया और कल पार्टनरशिप फर्म भर नहीं पाया, तो बैंक मेरे घर पर आकर मेरी प्रॉपर्टी भी सीज कर सकता है। फर्म एंड द पार्टनर आर वन एंड द सेम। और जितना कंप्लायंसेस कॉर्पोरेट एंटिटीज का है वो ज्यादा है, फॉर्म फाइलिंग, आरओसी, बट जितना कंप्लायंसेस नॉन कॉर्पोरेट का है वो थोड़ा कम है। इन शॉर्ट कंक्लूजन बताता हूं, कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट में सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट में वन एंड द सेम, कॉर्पोरेट में लाइबिलिटीज लिमिटेड, रिलायंस को जितना पैसा दिया बस वो रख लो, उसके ऊपर एक रुपए नहीं देंगे। बट यहां पर क्या होगा, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड, कॉर्पोरेट की कंप्लायंसेस ज्यादा है और नॉन कॉर्पोरेट की कंप्लायंसेस कम है। लिखो ये चीज, लिखा लिखा सबने लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो अब थोड़ा बेसिक्स पे लेके जा रहा हूं मैं, बीइंग फर्स्ट है थोड़ा सा आपको बेसिक्स आइडिया रहना चाहिए। अभी हमने तक अभी तक क्या देखा, कंपनीज एक्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा, कंपनीज एक्ट का बैकग्राउंड देखा कि कौन लाया था, डॉक्टर जे जे ईरानी की कमेटी में ये ड्राफ्टिंग हुई,
उसको पार्लियामेंट में पास किया गया, प्रणब मुखर्जी ने साइन किया। कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस है? 470 सेक्शंस है, ठीक है। कंपनीज एक्ट में कितने स्केड्यूल्स है? 7 स्केड्यूल्स है। चैप्टर्स कितने? 29 चैप्टर्स है। बट आपको एज अ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट 180 सेक्शंस में से मेजर सेक्शंस है, इंटरमीडिएट लेवल पर ये है, ठीक है। तो उसके बाद आपको कंपनीज एक्ट क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपका पाला बहुत सारे कंपनी से पड़ेगा। आप जाकर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स, उनके पूरे एनालिसिस ज़्यादातर कंपनीज के करेंगे, सिमिलरली एलएलपी और पार्टनरशिप का करेंगे, इसलिए इसके ऊपर एक्ट बना है। पूरे सीएमए इंटर में 3 पार्ट से 4 पार्ट से, पार्ट ए बी सी डी, पार्ट ए कमर्शियल लॉस, पार्ट बी लेबर लॉस, पार्ट सी कंपनी लॉ एंड पार्ट डी एथिक्स, करेक्ट है। ये एक पूरा कोर्स हो गया 100 मार्क्स का, जो आपके मॉड्यूल 1 के अंदर है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि बिजनेस जब भी करना है तो बिजनेस बेसिकली आपको 5 टाइप के एंटिटीज में ही कर सकते हैं। किसी को भी बिजनेस कर रहा है, कल आप देखोगे चाय की दुकान है, वो शायद सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगा, करेक्ट है। कल आप देख रहे हो आपके आसपास कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, शायद वो पार्टनरशिप में रहेगा। हम लोग कंपनी फॉर्म में काम कर रहे हैं, समझे मेरी बात? तो कोई हम अल्टीमेटली बिजनेस है, करेक्ट। तो बिजनेस एंटिटीज जो है वो 5 ही टाइप में काम कर सकते हैं ज्यादातर, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कंपनी, जिसमें ये 2 टाइप जो है वो कॉरपोरेट है। कौन से 2 टाइप? कंपनी एंड एलएलपी। और कौन से 3 टाइप नॉन कॉरपोरेट में आता है? एचयूएफ, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचयूएफ, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कॉरपोरेट एंड नॉन कॉरपोरेट? कंप्लायंस ज़्यादा है कॉर्पोरेट में, यहाँ पे कम है। सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्वेश्चन ये है, वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आपको आएगा, करेक्ट है। द क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू मीन बाय अ सेक्शन, जो आपको आता है बोलिए, सेक्शन का मतलब क्या है, बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन? बीच में मुझे लॉ के बेसिक्स पे बात करना पड़ेगा, है ना। पोर्शन मैं चालू रखूंगा, मेरे एंड पे कुछ मतलब ये नहीं होने वाला है कि भाई ठीक है सिंपल पढ़ा दिया चल दिया, वो नहीं होने वाला है, ठीक है। विल कंटिन्यू एवरी डे, जो कल आया वो थोड़ा आज का मिस करेगा, तो रोज मेरा चलेगा। व्हाट डू मीन बाय सेक्शन? सेक्शन इज नथिंग बट अ पैराग्राफ नंबर, और नंबर गिवन टू अ पैराग्राफ। हर चीज को नंबरिंग देते हैं हम, अरे हाँ कि नहीं, अपने पेज नंबर भी देते हैं, ओके। ये पूरा लॉ है बर एक्ट, 470 सेक्शंस। अगर आप देखते हो सेक्शन 1, इसको ये पैराग्राफ है जिसमें शॉर्ट टाइटल लॉ का नाम क्या है, वैसे सेक्शन 2 ज़्यादातर सब लॉ का डेफिनेशन का पैराग्राफ होता है। तो कभी भी आपको कोई रेफरेंस देना है, ऐसा नहीं करते पेज पलटो देखो इधर लिखा है, ऐसा नहीं है। अगर कोर्ट बोलता है भाई ये तू बोल रहा है, ये किस हिसाब से बोल रहा है, आप बोलेंगे सेक्शन 10 पैराग्राफ, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2, समझे मेरी बात? फिर वो बरोबर सेक्शन 10 में जाएगा, सब सेक्शन 2 में जाएगा। लाइक एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 लोग लगते हैं, ये सबको मालूम है, और पब्लिक कंपनी बनाने में मिनिमम 7 लोग लगते हैं। कभी ना कभी तो 12th में या कहीं तो पढ़ाऊंगा, ये कहाँ लिखा है बताओ? बोले हमारे 12th स्टैंडर्ड की नोटबुक के अंदर लिखा है, हम घर से लेकर आते हैं, देखो कोर्ट में भी दिखाएंगे हमारे सर ने लिखाया था। ऐसा करेंगे क्या? कहाँ लिखा है बोल? पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, कंपनीज एक्ट का पूछ रहा हूं मैं। प्राइवेट कंपनी में 2 लोग लगते हैं, पब्लिक में 3 लोग, 7 लोग लगते हैं, ये लिखा कहाँ है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में, तो कंपनी में लिखा कहां पर है? समझे मेरी बात? एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना मैं आपको। ये लिखा है बेटा, यहां जाओ सेक्शन 3 में लिखा है। अब मैं मेरी बात प्रूफ कर सकता हूं आपको, ये बैर एक्ट है, ये कंपनीज एक्ट है, ये देखो सेक्शन 3, अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर व्हेन द कंपनी इज पब्लिक, 2 और मोर व्हेन द कंपनी इज प्राइवेट, एंड 1 और मोर 1 इन केस ऑफ ओपीसी। ये ओपीसी आपके लिए नया है, डोंट वरी, बट यहाँ लिखा है। तो आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ नहीं लिखा है, ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, खोलना है, सेक्शन 3 में लिखा है सर, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी में लिखा हुआ है, समझे मेरी बात? तो कभी भी क्लाइंट आता है, जैसे मेरे को क्लाइंट पूछता है कि सर कितने मैक्सिमम डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं एक कंपनी के अंदर, समझे मेरी बात, या कितने मिनिमम डायरेक्टर अपॉइंट करना है, मैं बोलूंगा सर मिनिमम डायरेक्टर 2 फॉर प्राइवेट एंड 3 फॉर पब्लिक, बोले रुको प्रूफ करो, वेट सेक्शन दिखाई, समझे मेरी बात? तो आपको सेक्शंस मतलब रेफरेंस नंबर 2, दफा बोलते हैं हम उसको हिंदी में, दफा 304 के तहत
सेक्शन नंबर 304 इंग्लिश में सेक्शन हो गया, तो दैट इज पैराग्राफ नंबर और नंबर अलॉटेड टू अ पैराग्राफ. ये क्लियर हो गया बेटा. सिमिलरली पैराग्राफ का पैराग्राफ रहेगा तो सबसेक्शन, ये लिखा है. इसके अंदर कुछ और चीज लिखी है तो इसको सेक्शन नंबर देंगे और इसको सब सेक्शन नंबर देंगे, और इसके भी पैराग्राफ के पैराग्राफ है, पैराग्राफ के पैराग्राफ के पैराग्राफ है, तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, क्लॉज. क्या देंगे हम, क्लॉज नंबर. और पैराग्राफ के पैराग्राफ के पैराग्राफ को हम बेटा नंबर देंगे सब क्लॉज. समझे क्या मेरी बात. तो ये पैराग्राफ के नंबर का स्टैंडर्डाइज किया इन्होंने लॉ में. जब भी कोई पैराग्राफ को नंबर देते हैं उसको सेक्शन बोल देते हैं. अब लॉ बहुत सारे हैं, एक ही थोड़ी ना है. अरे मैं कम से कम 60 एक्ट्स जानता हूँ डिटेल में, मतलब मैंने इतना पढ़ा है, मेरी बात समझना. तो उस सबसे मेरे को पता है कि हर एक लॉ के अंदर एक कोडिफिकेशंस करना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग का स्टैंडर्ड्स होना चाहिए. बराबर है कि नहीं. तो इसलिए उसको सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज. देखो यहाँ पे, ये देखना, अगर मैं बोल रहा हूँ, ये देखो मेमोरेंडम के बारे में लिखा है सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी सब क्लॉज 1. समझे मेरी बात. जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ या आपको पूछेंगे, हर कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड होना चाहिए पब्लिक में, और प्राइवेट लिमिटेड के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए. प्रूफ करो. आप बोलेंगे सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में लिखा है. मैं जाऊँगा देखो, सेक्शन 4 सब सेक्शन क्लॉज है, द नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड और द लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड. अपना रेफरेंस आ गया 4(1)(a). 4 क्या बेटा, सेक्शन नंबर. 1 क्या है, सब सेक्शन. और a क्या है, क्लॉज नंबर. समझे. तो ये क्लियर हो गया. एक काम करो, नीचे लिखना बेसिक्स. बेसिक्स लिखो वहां पे लिखने का. ईच पैराग्राफ इज गिवन अ नंबर. ईच पैराग्राफ इज गिवन अ नंबर. ईच पैराग्राफ इज गिवन अ नंबर कॉल्ड एज, कॉल्ड एज सेक्शन नंबर, कॉल्ड एज सेक्शन नंबर. पैराग्राफ्स पैराग्राफ इज गिवन अ नंबर. पैराग्राफ्स पैराग्राफ पैराग्राफ्स पैराग्राफ इज गिवन अ नंबर कॉल्ड एज सबसेक्शन, सबसेक्शन. फिर आगे लिखोगे पैराग्राफ्स पैराग्राफ्स पैराग्राफ. गाली नहीं देना, ठीक है ना. पैराग्राफ्स पैराग्राफ्स पैराग्राफ नंबर इज क्लॉज. नंबर इज क्लॉज. एंड आगे लिखना फर्दर नंबर इज सब क्लॉज. फर्दर नंबर इज सब क्लॉज. फर्दर नंबर इज सब क्लॉज. करेक्ट. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीसीडेंट. जो आपको आता है बोलो, ये आपने पढ़ा है. प्रीसीडेंट का मतलब क्या है, ये बेसिक्स ऑफ लॉ में लेके जा रहा हूं मैं. थोड़ा फर्स्ट डे तो आपको बताना पड़ेगा, आगे स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का दूसरा नाम है बेटा जुडिशियल डिसीजन. क्या बोलते हैं हम इसको, जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट डिसीजन. करेक्ट है. हाई कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो लॉ बना कि नहीं बना, बना. करेक्ट है. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिडेंट. लिखो नीचे, प्रेसिडेंट मीन्स जुडिशियल डिसीजन. प्रेसिडेंट means judicial decision. Okay? अब देखो एक बात समझना, जो भी superior court बोलेगा subordinate court को तो follow करना पड़ेगा, भले उसको वो decision accept है या नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो सभी हाई कोर्ट और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा, बट हाई कोर्ट जो बोलेगा वो सुप्रीम कोर्ट में और मे नॉट फॉलो, और एक हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट कुछ बोलता है तो मद्रास हाई कोर्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, दे में रेफर, दे में गाइड, वो एक बेंचमार्क रहेगा, बट अगर मद्रास हाई कोर्ट को लगता है गलत है तो गलत है, बट बॉम्बे हाई कोर्ट जो बोलेगा तो पूना डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट उनको फॉलो करना पड़ेगा। सुपीरियर जो बोलेगा सबॉर्डिनेट को तो करना है, बट सबॉर्डिनेट जो बोलेगा सुपीरियर को फॉलो नहीं करना है, बट सेम लेवल पे एक हाईकोर्ट दूसरे हाईकोर्ट के लिए एक मैंडेटरी डिसीजन नहीं ले सकता है। एक हाईकोर्ट ने सपोज मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने मिस्टर एक्स का साइड लिया, सेम प्रॉब्लम ए और बी में हुआ इन मद्रास हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट, समझे मेरी बात, तो शायद वो और कुछ डिसीजन ले। यहां पर ये परसुएसिव है, मैंडेटरी नहीं है। एक हाईकोर्ट कुछ बोलता है वो कन्विंसिंग है बट वो फॉलो करना जरूरी नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा, समझे मेरी बात, और हाई कोर्ट जो बोलेगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो फॉलो करना पड़ेगा। इट्स लाइक मदर फादर एंड किड्स, फादर जो बोलता है वो सबको फॉलो करना है, मम्मी को पसंद है नहीं है, बच्चों को पसंद है नहीं है, फॉलो करना है, मम्मी जो बोलेंगे पापा मे और मे नॉट फॉलो बट बच्चों को फॉलो करना है, समझे मेरी बात। तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिनके डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिडेंस और जुडिशियल डिसीजंस, करेक्ट है ना बात। अब एक छोटी चीज, सिर्फ डेफिनेशन कॉपी करके रखोगे, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, अटेंडेंस मार्क नहीं किया है क्या इसने, दो कोई रह गया यहाँ पे, कोई रह गया शायद से, अटेंडेंस है, डोंट वरी मार्क दिस, डन है, चलेगा। तो आज हमने क्या पढ़ा है, बहुत सारी चीजें देखी है, आते साथ हमने पहले कंपनीज एक्ट का बैकग्राउंड देखा, कंपनीज एक्ट 2013 का बैकग्राउंड देखा, हमने पूरा करिकुलम का बैकग्राउंड देखा, पार्ट ए बी सी डी देखा, करेक्ट। पार्ट ए में बहुत सारे फाउंडेशन की चीज़ें रिपीट हो रही है तो नी नॉट वरी, करेक्ट। उसमें चीज़ ऐड हो रही है एलएलपी एंड पार्टनरशिप, कमर्शियल लॉस, लेबर लॉस आपके लिए नया, कंपनीज एक्ट आपके लिए नया है, और एथिक्स आपके लिए पूरा नया रहेगा, करेक्ट। ये पूरा आपका 100 मार्क्स का कोर्स हो गया। कंपनीज एक्ट का मैंने आपको बोला कि इट वॉज 1956, उससे पहले भी बहुत सारे थे, 2013 जो अभी लेटेस्ट है, सॉरी, तो 2013 इज द लेटेस्ट, जिसके हिसाब से ये पूरा आपको पढ़ना है और कंपनीज का डिटेल समझना है। कंपनीज एक्ट में एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की गई थी और फिर पार्लियामेंट में 30 अगस्त 2013 को पास किया गया, करेक्ट है। उसके बाद हमने ये देखा कि व्हाट इज अ प्रेसिडेंट, व्हाट इज बेसिकली सेक्शन सब सेक्शंस, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स हम रोज बात करेंगे, ठीक है, चलेगा। वेल डन फॉर द डे, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी, थैंक यू।